अपनी हालिया रिलीज फिल्म सिम्बा के जरिए बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक रोहित शेट्टी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा ही दिया। वहीं रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टारर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ का आंकड़ी आसानी से पार किया। इस फिल्म का सबसे मेजर हाईलाइट सिम्बा और सिंघम का धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस था, जिसे देखने के बाद फैंस तालियां और सीटियां बजाने पर मजबूर हो गए। इस बात में कोई भी दोराय नहीं कि फिल्म के सुपरहिट गाने आंख मारे ने हर किसी को डांस करने पर मजबूर किया। अगर आपने इस गाने को ध्यान से देखा हो तो आपको याद होगा इसमें गोलमाल सीरीज के कई कलाकार भी थे, जो कि रणवीर सिंह और सारा के साथ तालमेल में नाचते हुए नजर आ रहे थे। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान रोहित शेट्टी ने खुलासा किया था कि उन्होंने इस गाने में गोलमाल के कलाकारों की झलक दिखाई थी, क्योंकि वह फैंस को गोलमाल 3 का हिंट देने की कोशिश में थे। वहीं रोहित ने इसको खुलासे के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं हर कोई बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार करने लगा था। बता दें कि गोलमाल सीरीज में अजय देवगन समेत अरशद वारसी, कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर जैसे कलाकारों ने फैंस को हंसा हंसा कर लोटपोट होने पर मजबूर किया। खैर, इस फिल्म के अगले पार्ट से जुड़ी एक ऐसी खबर हाथ लगी है जिसे जानने के बाद अजय के फैंस का दिल टूट जाएगा। दरअसल रोहित इस समय जो है अपनी नई फिल्म सूर्यवंशी में व्यस्त है, और हाल ही में श्रेयस तलपड़े ने खुलासा किया है कि वह इस समय रोहित इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और इसी वजह से गोलमाल 5 को बनाने में देर लगेगी। इसी के साथ ही श्रेयस ने यह भी जानकारी दी है कि रोहित ने फिल्म को कई एंगल में लिखा है, जैसे ही वह एक फाइनल स्क्रिप्ट तैयार कर लेंगे तो फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। वह इस फिल्म को साल 2021 के आसपास रिलीज करने की सोच रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं गोलमाल 5 के लिए। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबरें मिलेगी सबसे पहले।